C program calculating electricity bill of the user based on given specifications. Write a C program to input electricity unit charges and calculate total electricity bill according to given conditions. Where conditions are, conditions क्या है? इसे अगर आपने units insert किए, unit इस केस में enter करेंगे number of unit at runtime, beginning 50 units का fare और बिल कैलकुलेट हुआ बेस्ड ऑन 0.5 रुपीस पर यूनिट्स. नेक्स्ट वन, आफ्टर 50 यूनिट्स नेक्स्ट कमिंग 100 यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट एज 0.75. नेक्स्ट 100 यूनिट्स के लिए चार्जेज अप्लाई करेंगे पर यूनिट 1.2 रुपीस, सेम एज एबो, लाइक दैट. फॉर एग्जांपल्स, अगर रन टाइम पर टोटल यूनिट्स एंटर किए जाए 300, देयर आर टोटल एंटर्ड यूनिट्स, तो इस केस में 300 में से बिगिनिंग 50 यूनिट्स के लिए चार्ज अप्लाई होगा बेस्ड ऑन फर्स्ट कंडीशन क्या है इस केस में, टोटल मींस टोटल यूनिट्स कितने एंटर हुए 300, देन 50 यूनिट्स कैलकुलेट होने के जस्ट बाद रिमेनिंग यूनिट्स कितने बचेंगे 250, बिगिनिंग 50 यूनिट का चार्ज कितना अप्लाई होगा 50 मल्टीप्लाई बाई फेयर कितना इस केस में 0.5 रुपीस ईच यूनिट, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे भाई 0.5, इसके इसमें टोटल आएगा टोटल एज 25 रुपीस. मीन्स दिस इज द बिल फॉर बिगिनिंग 50 यूनिट्स. बिगिनिंग 50 यूनिट्स के लिए चार्ज कितना अप्लाई होगा 25 रुपीस. व्हाट इज द चार्ज फॉर रिमेनिंग नेक्स्ट 100 यूनिट्स. नेक्स्ट 100 यूनिट्स के लिए चार्ज अप्लाई करेंगे बेस्ड ऑन पर यूनिट चार्ज कितना अप्लाई हुआ 0.75 रुपीस फॉर ईच यूनिट. मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाई 0.75 के केस में, इस केस में मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 75 रुपीस. मीन्स नेक्स्ट 100 मीन्स टोटल यूनिट्स कितने हुए 150 और 150 टोटल में से केवल नेक्स्ट 100 यूनिट का चार्ज कितना 75 रुपीस. बट सपोज दैट बिगिनिंग 150 टोटल यूनिट्स कितने का हुए 150, बिगिनिंग 150 यूनिट का टोटल चार्ज कितना होगा 25 प्लस 75 इज 100 रुपीस. सिमिलरली नेक्स्ट 50 अभी भी कैलकुलेट कितना हुआ 50 और 100 के लिए चार्जेस कैलकुलेट कर चुके हैं, 250 में से 100 सब्ट्रैक्ट करें, रिमेनिंग कितने बचे अभी भी 150, तो नेक्स्ट 150 में से फिर से अगेन नेक्स्ट 100 के लिए चार्ज अप्लाई करना पॉसिबल. नेक्स्ट 100 के लिए चार्ज अप्लाई करेंगे टोटल यूनिट्स मीन्स 100 मल्टीप्लाई 1.20 ईच यूनिट इक्वल्स टू 120 रुपीज़, इक्वल्स टू 120 रुपीज़. मीन्स बिगिनिंग 250 यूनिट का चार्ज कितना हुआ 25 प्लस 75 प्लस 120 मीन्स 220. नेक्स्ट वन, अभी भी 100 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट कर चुका, रिमेनिंग कितने बचे 50, रिमेनिंग जितने भी यूनिट्स होंगे रेस्ट ऑफ द ऑल यूनिट्स, रिमेनिंग सभी यूनिट्स के लिए करंट केस में कितना बचा 50, तो 50 केस में कैलकुलेट करें 50 मल्टीप्लाई बाई रिमेनिंग के केस में अप्लाई करेंगे 1.5 रुपीस फॉर यूनिट ईच यूनिट्स, मल्टीप्लीकेशन इज 75, इस केस में अगेन 75 रुपीस, लाइक दैट. इसे रूल्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म कराना है. अगर टोटल 300 यूनिट्स हैं तो 300 यूनिट का टोटल अमाउंट कितना जनरेट हो रहा है 25 प्लस 75 100 प्लस 120 इज 220 प्लस 75 इज 295. दिस इज द टोटल फेयर और टोटल बिल रिस्पेक्ट टू 300 यूनिट्स, लाइक दैट. बिगिनिंग 50 के लिए अमाउंट कितना कैलकुलेट हो रहा 25, बिगिनिंग 150 के लिए टोटल अमाउंट कितना कैलकुलेट होगा, बिगिनिंग 150 के लिए ओनली 50 के लिए कितना था 25, लेकिन बिगिनिंग 50 प्लस 100 मीन्स बिगिनिंग 150 यूनिट्स का टोटल चार्ज कितना हुआ 100 रुपीस, एंड बिगिनिंग 250 यूनिट्स मीन्स 150 यूनिट प्लस 100 यूनिट, इसके इसमें टोटल चार्ज कितना हुआ 100 प्लस 120 इज 220, लाइक दैट. इन फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में सबसे पहले नेक्स्ट वन, इसके अलावा लास्ट कंडीशन क्या है, एन एड
एडिशनल सरचार्ज ऑफ 20% इज एडेड टू द फाइनल बिल, मीन्स जो भी फाइनल अमाउंट कैलकुलेट हुआ है अगर 295 के केस में अगर सरचार्ज कैलकुलेट कितना हुआ इसका 20% मीन्स 0.20, दिस इज द सरचार्ज लाइक दैट। इस टाइप से फाइनल अमाउंट डिस्प्ले कराना है, टोटल फाइनल अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टोटल रिक्वायर्ड वेरिएबल्स कितने होंगे, फर्स्ट वन एंटर कराएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, फ्लोट एंटर नंबर ऑफ यूनिट, नेक्स्ट वन इसके अलावा रिक्वायर्ड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल मींस टोटल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल नेक्स्ट वन सर चार्जेस, इसके अलावा कैलकुलेट क्या करना है, सर चार्जेस आफ्टर दैट फाइनल बिल क्या रहेगा, फाइनल और टोटल बिल इज कैलकुलेटेड बिल प्लस सर चार्जेस, इसलिए टोटल बिल आसान करने के लिए यूज करेंगे एक्स्ट्रा वेरिएबल एज टोटल अमाउंट, या बिल के प्लेस पर एज्यूम कर रहे हैं क्रिएट करेंगे या वेरिएबल नेम एज अमाउंट amt देन अमाउंट प्लस सर चार्जेस टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इस टोटल इसके इसमें रिक्वायर्ड वेरिएबल्स कितने, देयर आर 4 वेरिएबल्स। इसके जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेप रीडिंग इनपुट्स, इनपुट रीड कराना ओनली नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ यूनिट, एंटर नंबर ऑफ यूनिट, देन यूनिट्स रीड कराने के लिए यूज करेंगे स्कैन एफ फंक्शन, परसेंट एफ एम परसेंट वेरिएबल यूनिट नेक्स्ट वन। इसके जस्ट बाद सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे अमाउंट बेस्ड ऑन फॉर अमाउंट फॉर गिवन यूनिट, यूनिट के बाद अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे सरचार्ज देन टोटल अमाउंट। तो नेक्स्ट वन नेक्स्ट रिक्वायर्ड किस क्या है, कैलकुलेटिंग टोटल अमाउंट बेस्ड ऑन गिवन यूनिट्स नेक्स्ट वन। इफ यूनिट लेस देन 50 मीन्स अगर टोटल नंबर ऑफ यूनिट 50 से लेस है, इफ फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगा, इफ वैल्यू ऑफ यूनिट लेस देन इक्वल्स टू 50 इन दैट केस, नंबर ऑफ यूनिट 50 से लेस है देन इस केस में टोटल अमाउंट कैलकुलेट होगा एज अ अमाउंट इक्वल्स टू टोटल यूनिट मल्टीप्लाई बाई मीन्स पर यूनिट अमाउंट कितना अप्लाई करना है 0.5 रुपीज, इसलिए टोटल यूनिट में मल्टीप्लीकेशन कराएंगे 0.5 रुपीज और 0.50 लाइक दैट। देन इस केस में जो भी अमाउंट आएगा अमाउंट किस में आसान हो जाएगा, वेरिएबल अमाउंट में। बट सपोज दैट इफ यूनिट इज ग्रेटर देन 50, अगर नंबर ऑफ यूनिट 50 से ज़्यादा है देन उस केस में अमाउंट किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे, देन एक और कंडीशन अप्लाई करेंगे बाई यूजिंग else if, if next one next condition क्या है, means अगर number of unit 150 से less है, if number of units means beginning 50 plus 100 total कितना होगा 150, if number of units less than equals to 150 अगर total number of unit या तो 150 है 150 से कम है और more than 50 देन इस केस में फेयर कैलकुलेट करें बाय यूजिंग गिवन कंडीशन। इस केस में कंडीशन क्या रहेगा, अमाउंट टोटल यूनिट 150 में सपोज करेगा टोटल यूनिट एंटर किए रन टाइम पर 125, तो 125 के केस में इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करें, बिगिनिंग 50 प्लस रिमेनिंग 75 टोटल इज 125, तो बिगिनिंग 50 के लिए अमाउंट अप्लाई करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाई 0.50 और रिमेनिंग 75 के लिए कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कराएंगे बेस्ड ऑन 0.75 इस 0.75, तो बिगिनिंग 50 के लिए अमाउंट कितना कैलकुलेट हो रहा है 25 लाइक दैट। तो इसके इसमें डायरेक्टली ऐड करा लेंगे अमाउंट इक्वल्स टू 25 प्लस रिमेनिंग जितने भी यूनिट्स बचते हैं, रिमेनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे, टोटल यूनिट कितने 125 टोटल यूनिट माइनस 50 रिमेन 75, तो इसके इसमें अप्लाई क्या करेंगे
यूनिट माइनस 50, बिकॉज 50 के लिए ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, बिगिनिंग 50 के लिए अमाउंट कितना कैलकुलेट हुआ है 25, इसलिए डायरेक्टली ऐड कराया जाए 25, देन रिमेनिंग 75 के लिए अमाउंट कैलकुलेट करना, रिमेनिंग 75 कैलकुलेट होंगे बेस्ड ऑन टोटल एंटर्ड यूनिट माइनस 50। सपोज दैट टोटल यूनिट एंटर किया जाए 125 माइनस 50 इज 75, देन 75 के लिए अमाउंट अप्लाई करना है पर यूनिट 0.75 रुपीज, पर यूनिट 0.75 रुपीज, लाइक दैट। नेक्स्ट वन, बट सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं मोर देन 150, मीन सपोज दैट अगर टोटल नंबर ऑफ यूनिट एंटर किया जाए 200, एंड 200 के केसेस में इनको कन्वर्ट करेंगे ऐसा बिगिनिंग 50 के लिए अमाउंट कितना कैलकुलेट हुआ है 25, और नेक्स्ट 100 के लिए अमाउंट कितना कैलकुलेट हुआ 75 रुपीज, रिमेनिंग नेक्स्ट 100 के लिए अमाउंट कितना कैलकुलेट हो रहा है 75 रुपीज, मीन्स बिगिनिंग 150 का टोटल अमाउंट कितना कैलकुलेट होगा 75 प्लस 25, और रिमेनिंग कितने बचते हैं इस केस में, मीन्स बिगिनिंग 150 का अमाउंट कितना हुआ 100, अब कैलकुलेट कितने के लिए करना है टोटल एंटर्ड यूनिट 200 माइनस 150 का अमाउंट डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं 100, और रिमेनिंग के लिए कैलकुलेट करना ओनली रिमेनिंग कितने बच रहे हैं इस केस में 50 यूनिट्स, मीन्स नेक्स्ट टाइम फिर से कंडीशन अप्लाई करेंगे इफ एल सेव इफ नंबर ऑफ यूनिट, मीन्स नंबर ऑफ यूनिट 50 से भी ज़्यादा 150 से भी ज़्यादा, देन उस केस में कंडीशन थर्ड कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे थर्ड केस में दैट वन मीन्स 50 प्लस 100 प्लस 100 टोटल बिकम्स लेस देन इक्वल्स टू 250, इफ टोटल नंबर ऑफ एंटर्ड यूनिट इज लेस देन 250, देन इस केस में अमाउंट कितना कैलकुलेट हुआ बिगिनिंग 150 का अमाउंट कितना आ रहा है ऑलरेडी 25 प्लस 75 इज, इस केस में अमाउंट कैलकुलेट करें प्रीवियस केस में 25 बिगिनिंग 50 का अमाउंट कैलकुलेट किया था 25, लेकिन अब बिगिनिंग 150 का अमाउंट कितना कैलकुलेट होगा इन वन मीन्स 100 प्लस रिमेनिंग यूनिट्स कितने बचते हैं इस केस में, मीन्स 150 का ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इसलिए टोटल यूनिट्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 150, जैसे प्रीवियस केस में 50 यूनिट का अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था इसलिए नेक्स्ट टाइम 0.75 इसके लिए अप्लाई किया था ओनली यूनिट माइनस 50, सेम है इस केस में 150 यूनिट का अमाउंट ऑलरेडी फिक्स्ड है 100 रुपीज, देन रिमेनिंग अब कितने यूनिट्स के लिए अप्लाई करना ओनली यूनिट माइनस 150, अगर टोटल यूनिट एंटर किए 200 माइनस 150 इज रिमेन्स 50 यूनिट्स, रिमेनिंग 50 यूनिट या जो भी एंटर यूनिट है उसके लिए अमाउंट कितने पर यूनिट कितना रुपये अप्लाई करना है इस केस में मल्टीप्लाई बाय 1.20, दिस द चार्जेस फॉर रिमेनिंग यूनिट्स आफ्टर 150। नेक्स्ट वन, सपोज दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ यूनिट 250 से लेस है देन उस केस में इस बेसिस पर चार्ज कैलकुलेट होगा, बट सपोज दैट इफ टोटल नंबर ऑफ एंटर्ड यूनिट इज ग्रेटर देन 250 फॉर यूनिट एबो 250, अगर 250 से ज़्यादा यूनिट्स हैं देन उस केस में अप्लाई करेंगे एल्स कंडीशन, एल्स के केसेस में मीन्स बिगिनिंग के केसेस में टोटल अमाउंट कितना जनरेट हुआ टोटल फेयर बिगिनिंग 50 के लिए कितना था 25 रुपीज़, नेक्स्ट 100 के लिए मीन्स 150 के लिए टोटल कितना हुआ 100, 25 प्लस 75 प्लस 120 टोटल बिकम्स 220 रुपीज़ फॉर 250 यूनिट्स, मीन्स बिगिनिंग 250 यूनिट के लिए टोटल चार्ज कितना अप्लाई होगा 220, इसके बाद रिमेनिंग के लिए कैलकुलेट करना है इसलिए अप्लाई करेंगे अमाउंट इक्वल्स टू 220 प्लस, मीन्स अभी बिगिनिंग 220 कितने यूनिट का अमाउंट कैलकुलेट हुआ इस केस में बिगिनिंग 250 के लिए, इसलिए सब्ट्रैक्शन कितने से कराएंगे माइनस 250, क्योंकि बिगिनिंग 250 यूनिट्स का अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, रिमेनिंग का कैलकुलेट करेंगे बाय मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट एज 1.5 रुपीज़ लाइक दैट। इस टाइप से टोटल फेयर कैलकुलेट करने के बाद अब रिमेनिंग केस में कैलकुलेट क्या करना है सर चार्जेस, मीन्स करेंटली अभी ओनली अमाउंट कैलकुलेट हुआ है देन कैलकुलेट कराना होगा सर चार्ज अमाउंट, सर चार्ज अमाउंट मीन्स टैक्सेस इज
or something GST like that. रिमेनिंग केस में अप्लाई क्या करेंगे, सरचार्ज अमाउंट. तो सरचार्ज अमाउंट क्या आएगा इस केस में, ये सभी कैलकुलेट क्या हुआ है, ओनली अमाउंट. नेक्स्ट में कैलकुलेट करना सरचार्ज अमाउंट और 20% ऑफ सरचार्ज इक्वल्स टू 20% ऑफ कैलकुलेटेड अमाउंट, मीन्स अमाउंट का टोटल अमाउंट का 20% अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 0.20, मीन्स इससे कैलकुलेट क्या होगा 20% ऑफ गिवन अमाउंट. नेक्स्ट वन 20% कैलकुलेट करने के बाद आप कैलकुलेट करना टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट क्या होगा इस केस में, टोटल अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू कैलकुलेटेड अमाउंट प्लस सरचार्ज अमाउंट और सरचार्जेस. देन फाइनली डिस्क्राइबिंग योर विलेज और फाइनल विलेज प्रिंट एफ योर फाइनल पेमेंट और फाइनल अमाउंट इज परसेंट 2F प्लस इस केस में डिस्प्ले क्या कराना, वैल्यू ऑफ टोटल अमाउंट, मीन्स नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले कराएंगे टोटल अमाउंट प्रिंट एफ कॉमा टोटल अमाउंट सेमी कॉलन. इस टाइप से किसी भी पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ गिवन यूनिट्स के लिए बिल पे और बिल जनरेट करना पॉसिबल. सबसे पहले कैलकुलेट क्या हुआ इस केस में, अमाउंट, अमाउंट के बेस पर कैलकुलेट कर लेंगे सरचार्ज अमाउंट, देन फाइनली टोटल अमाउंट. फाइनली डिस्प्ले क्या कराएंगे आउटपुट में एज अ टोटल अमाउंट. फॉर एग्जांपल सपोज दैट किसी एक केस को कैलकुलेट कर दें, डिफरेंट डिफरेंट केसेस. टोटल इस केस में वेरिएबल्स कितने, देयर आर 4 वेरिएबल्स. फर्स्ट वन नंबर ऑफ यूनिट, नेक्स्ट वन अमाउंट, नेक्स्ट वन सरचार्ज अमाउंट, नेक्स्ट वन टोटल अमाउंट लाइक दैट. यूनिट मैंने एंटर किया जा 40 के केसेस में फर्स्ट कंडीशन चेक हुआ 40 लेस देन इक्वल्स टू 50 कंडीशन इज ट्रू, ट्रूअर देन 40 मल्टीप्लाई बाई 0.5. इस केस में टोटल रुपीज कितना कैलकुलेट होगा, 40 मल्टीप्लाई यूनिट का वैल्यू क्या आएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 0.5. कैलकुलेशन क्या आएगा इसका, टोटल इज मल्टीप्लीकेशन इज 20 रुपीज. तो इसका फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो चुका था, रिमेनिंग कंडीशन टेस्ट ही नहीं हुआ, एल्स भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ. देन डायरेक्टली इस केस में 20 असाइन किस में रहा, वेरिएबल अमाउंट, वैल्यू ऑफ अमाउंट इज 20. देन इसके बाद कैलकुलेट हुआ 20% ऑफ द 20 एज अ सरचार्ज अमाउंट, 20 मल्टीप्लाई बाई 0.2. 20 का 20% कितना हुआ, 20 मल्टीप्लाई 2 इज 4 रुपीज. देन 4 आसान हो जाएगा इनसाइड सरचार्ज अमाउंट, वैल्यू ऑफ सरचार्ज अमाउंट इज 4. देन नेक्स्ट टाइम 20 अमाउंट का वैल्यू कितना, 20 प्लस 4 बिकम्स 24 असाइन टू द वेरिएबल एज टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट मीन्स 40 बिगिनिंग 40 यूनिट का टोटल अमाउंट कितना कैलकुलेट हो रहा है इसके, 24 रुपीज. दिस इज द फर्स्ट केस. सिमिलरली सपोज दैट नंबर ऑफ यूनिट एंटर किए इस केस में एज अ 350, टोटल यूनिट एंटर किया जाए 350. देन 350 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट वन, 350 लेस देन इक्वल्स टू 50 कंडीशन फॉल्स. नेक्स्ट वन सेकेंड कंडीशन टेस्ट करें, अगेन यूनिट का वैल्यू क्या है 350, 350 लेस देन इक्वल्स टू 150 कंडीशन अगेन फॉल्स. थर्ड कंडीशन 350 लेस देन इक्वल्स टू 250 कंडीशन अगेन फॉल्स. देन इस केस में चांस किसको मिलेगा, एल्स ब्लॉक को. बट टोटल नंबर ऑफ एंटर्ड यूनिट 350 है, देन 350 को डिवाइड करेंगे लाइक दैट, मींस पहले 50 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, देन रिमेनिंग नेक्स्ट 100, देन नेक्स्ट 100, देन रिमेनिंग 100. बिगिनिंग 50 यूनिट का चार्ज कितना कैलकुलेट हुआ था 25, नेक्स्ट 100 का चार्ज कैलकुलेट हुआ था 75. नेक्स्ट केस में चार्ज कैलकुलेट हुआ था 120. तो बिगिनिंग 250 यूनिट का टोटल चार्ज कितना हुआ इस केस में, 25 प्लस 75 इज 100, 100 प्लस 120 इज 220. इसलिए इस केस में ऐड क्या कराया 220. देन इसके बाद यूनिट का वैल्यू से इस केस में एडिशन क्या रहा 220 इज चार्ज ऑफ बिगिनिंग
250 यूनिट्स, बिगनिंग 250 यूनिट का चार्ज कैलकुलेट हो रहा है 220, देन यूनिट का वैल्यू क्या है 350, 350 माइनस 250 बिकम्स और रिमेंस 100, इन दोनों का डिफरेंस क्या रहा 100, 100 मल्टीप्लाई बाई 1.5, इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 150, 220 प्लस 150 इज 370, इस केस में दोनों का एडिशन कितना आ रहा है 220 प्लस 150 इज 370, 370 इज असाइन टू द वेरिएबल अमाउंट, इसके अकॉर्डिंग अमाउंट का वैल्यू क्या आएगा इस केस में 370 रुपीज, लाइक दैट। देन 370 के जस्ट बाद देन एल्स ब्लॉक के बाद चांस किसको मिलेगा, सरचार्ज अमाउंट कितना कैलकुलेट करना है 20%, टोटल अमाउंट कितना जनरेट हुआ है 370 मल्टीप्लाई बाई 0.20, इसके साथ 0.20 के अकॉर्डिंग टोटल कैलकुलेशन कितना हुआ, आई थिंक 74 रुपीज, कितना आएगा इस केस में 74 इज असाइन टू द सरचार्ज अमाउंट। देन इसके जस्ट बाद कैलकुलेट क्या होगा टोटल अमाउंट कितना है, अमाउंट इज 370 प्लस सरचार्ज अमाउंट इज 74, टोटल इज 444, टोटल क्या आएगा इस केस में 444, दिस द फाइनल बिल। देन डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ टोटल अमाउंट का वैल्यू कितना प्रिंट होगा 444, दिस इज द आउटपुट फॉर गिवन 350 यूनिट्स। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए चार्ज कैलकुलेट करना पॉसिबल।